पूछिए क्या पूछना चाहती है। अंडरटेकर बन गई भाई एकदम, मर के जिंदा हो रहे हैं, मौत को छू के टक से वाक से वाक। किसी की डेथ को ही सीरियसली लेते हैं तो जो उनका मोटिव था वो तो उन्होंने कर दिया। कैंसर ऐसा संवेदनशील मामला है जिस पर पूनम पांडे जैसे बिलो एवरेज अभिनेत्री कुछ नहीं कर सकती है। पूनम पांडे की इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद आपको क्या लगता है कि उन पर कोई लीगल एक्शन होना चाहिए, और क्या इतने बड़े मुद्दे को इतनी इनसेंसिटिविटी के साथ दिखाना, इज डू यू थिंक इट इज राइट? बिल्कुल होना चाहिए एक्शन, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने ये अवेयरनेस फैलाने के लिए किया था, बट अवेयरनेस फैलाने के लिए आप ये कह दो कि मैं मर गई हूँ और इस बीमारी से मरी हूँ, तो उस बीमारी से अवेयरनेस कम डर ज़्यादा फैलता है, तो ये बहुत ही गलत मूव था और बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनके जो ये पब्लिसिटी स्टंट होते हैं बहुत ही घटिया टाइप के होते हैं। यार मेरे हिसाब से ना यहाँ पे एज एन ऑडियंस वी फेल्ड, क्योंकि सोशल मीडिया को हमने एक इस तरह की चीज़ बना दी है कि जो भी है हम उसे वायरल कर देते हैं, छोटी सी चीज़ को बात का वतंगड़ बना के इतना बड़ा कर देते हैं कि अगले दिन वो आदमी जिसको कोई जानता भी नहीं था सुपरस्टार है। तो तुम पूनम पांडे को आप ही लोगों ने स्टार बनाया, हम ही लोगों ने स्टार बनाया, अब पूनम पांडे मर के जिंदा हो रही है, जिंदा हो के मर रही है, और इसमें फिर हम बोल रहे कि अरे यार कितना गंदा पब्लिसिटी स्टंट है। तो आप अपने भी तो देखो ना कि आपने ही तो उसे स्टार बनाया है, आप ही उसके वीडियोज़ लाइक करते हो, पसंद करते हो, हज़ारों कॉमेंट करते हो, तो अब उसके पास थी वो चीज़ कि भाई मेरे इतने फॉलोअर्स हैं तो मैं शायद ये पब्लिसिटी स्टंट करूंगी, उसको फेमस होना था वो हो गई, अब अवेयरनेस का तो शायद पता नहीं। दरअसल कैंसर ऐसा संवेदनशील मामला है जिस पर पूनम पांडे जैसे बिलो एवरेज अभिनेत्री कुछ नहीं कर सकती है। उनकी समझ और उनकी सोच कैंसर की संवेदनशीलता को नहीं पकड़ सकती है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ स्टंट किया, और इसे न तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए न कुछ, उन्हें खारिज कर देना चाहिए, उन्हें अंडरलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूनम पांडे का जो स्टंट है द डेथ होक्स, वो डेफिनेटली काफ़ी इनसेंसिटिव है, बिकॉज जो कैंसर पेशेंट्स कैंसर सर्वाइवर्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं उनको धक्का पहुँचता है इससे, और एक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू जो है उसका मजाक बन के रह जाता है। लीगल एक्शन की जहाँ तक बात है, मैं नहीं मानता कि पूनम पर लीगल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो यही चाहती है, वो चाहती है कि पब्लिसिटी और होती रहे, चीज़ें और बढ़ें। मैं तो मानता हूँ ऐसे पब्लिसिटी करने वालों को लोगों को भूल जाना चाहिए और कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए, दैट इज़ ऑल। पूनम पांडे के लिए तो सही है जो उन्हें चाहिए था फ्री की पब्लिसिटी वो उन्हें मिल गई, लीगल एक्शन आई डोंट थिंक उनके ऊपर होगा इस चीज़ के ऊपर। आई फील ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम्स इट इज़ अ हार्ड हिटिंग फैक्ट कि हम लोग ना किसी की डेथ को ही सीरियसली लेते हैं, तो जो उनका मोटिव था वो तो उन्होंने कर दिया, उनको चाहिए था सर्विकल कैंसर के बारे में रिसर्च हो, तो आई थिंक शी इज़ सक्सेसफुल जो भी उन्होंने किया, एंड ऑफकोर्स इट इज़ रॉन्ग इमोशनली सोचें तो, बट अगेन इट इज़ अ हार्ड हिटिंग फैक्ट, जब तक कोई मरता नहीं है तो वी डोंट टेक दैट पर्सन सीरियसली। मुझे ऐसा लगता है कि ना इसके दो पक्ष हैं, सही भी है गलत भी है। गलत इसलिए है क्योंकि जो एक्चुअल पेशेंट्स हैं कैंसर सर्वाइवर्स हैं या फिर जो जिनके घर में जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को क्लोज्ड वंस को खोया है, उनके लिए तो ये मजाक का ही विषय हो गया कि भाई इतने सीरियस मैटर को तुम इतना हल्का तुमने बना दिया। दूसरा इसका पॉजिटिव साइड ये आप ले सकते हैं कि पूनम पांडे ने करना तो सही चाहा था, लेकिन उसकी छवि ऐसी है कि लोग अब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसने अपनी कैपेसिटी में जितना उसके पास जितनी अकल है, जितना उसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उस हिसाब से तो वो वही कर सकती थी। तो उसने एक डिबेट तो स्टार्ट की सर्वाइकल कैंसर को लेके, तो इसको उस पॉजिटिव इसका ये है कि भाई तुम पूनम पांडे से कम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसने अपने हिसाब से तो सही किया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आई डोंट थिंक सो कि केस होना चाहिए, क्योंकि वो पूनम पांडे है। जब ये न्यूज ब्रेक हुई थी तब सबको पता था कि वो नहीं मरी है, हमने जो वीडियोस करी थी उसमें भी कमेंट्स हमको यही पढ़ने में आ रहा था, और पूनम पांडे से हम उम्मीद भी यही करते हैं, क्योंकि अगर आपको सर्वाइकल कैंसर है, एक बार आप घूम रहे हो, एक बार एकदम से होते ही तो नहीं मर जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो, कुछ तो पता लगेगा। और पूनम पांडे उर्फी जावेद, राखी सावंत, छल्ले शेट्टी आई थिंक उनका नाम है, जो भी है, तो इन सबसे उम्मीद भी यही करती कि एकदम कोई ऐसा ही बम फटेगा और फिर वो वापस से लाइमलाइट में आएगी। पूनम पांडे बहुत टाइम से नहीं थी लाइमलाइट में, एक न्यूज़ उन्होंने ब्रेक करवाई और वापस से ट्रेंडिंग में आ गई, तो यही है चीज़ें। बाकी किसी को थर्ड पार्टी अगर बुरा मान जाए तो करे FIR, क्या दिक्कत है, वैसे ही इतनी उन पे एक और हो जाएगी। पूनम पांडे है कौन, क्यों है ये पूनम पांडे?
मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, इसके बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कि कुछ अकल की भी बात है। यार मैं भी अखिल के साथ ही हूँ, मैं तो कहूँगा देखो ये सब मोम आया है, इन चीज़ों से बाहर निकलो। अब ये सब तो चलता ही रहेगा, आज मर गए, आज ये हो गया वो हो गया, है ना, जीवन में और भी बहुत चीज़ें हैं। पर अगर फिर भी अंडरटेकर बन गए भाई एकदम, मर के जिंदा हो रहे हैं, मौत को छू के टक से वापस। बेटे अबे बेटा मौज कर दे। फिर भी अगर कहा जाए इस पे कमेंट करने के लिए तो मैं यही कहूंगा कि यार देखो इस तरीके से बहुत इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, आपको अवेयरनेस करना ही था, तो और भी कई तरीके हैं, आप उस एक कैंपेन लीड कर सकती थी, एक डर का माहौल फैलाना, वो भी इतनी गंभीर बीमारियों को लेके, तो उन पेशेंट्स पे क्या बीती होगी जो ऑलरेडी इससे सफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी पुरानी टेक्निक थी ना फेमस होने वाली, वो फ्लॉप हो गई, इस वजह से वो नई टेक्निक के साथ उन्होंने कमबैक करा अपना। तो अखिल के हिसाब से फेमस होने की निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक थी जो ठीक से चल नहीं पाई, तो आई थिंक अगर एक्शन हो रहा है तो हमारा ने होता है ना हथौड़ी, हमारा हमारा ने कुछ कर दिया है खेला, तो चल नहीं पाया, और आई थिंक एक्शन हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है।